उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक गंभीर घायल होकर तड़प रहा था। 100 डायल के पुलिस कर्मियों को मिली सूचना और तुरंत घायल को अस्पताल में उपचार करवाने के लिए ले गए। पवासा थाना क्षेत्र के मुख्य रोड पर एक घायल युवक पड़ा हुआ था, जिसके शरीर से खून बह रहा था। युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 100 डायल के वाहन में डालकर उक्त गंभीर घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने घायल युवक का सही समय पर उपचार किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए, यह जो 100 डायल है कौन से किस क्षेत्र में चलती है और कहां पर पॉइंट है इसका? ये थाना पवासा की है, पंड्याखेड़ी चौराहे की FRB 14। जी, एक्सीडेंट हो गया था, सेट में पाइप चला था ट्रैफिक के द्वारा, तो हम तत्काल पहुंचे। डायल 100 आने वाली थी, लेकिन डायल 100 को थोड़ा समय लग गया, इसलिए अपने गाड़ी से लेके तत्काल यहाँ पे लाए अपने सिविल अस्पताल में। अच्छा, उपचार के लिए। क्या नाम था इसका जो घायल व्यक्ति था, कहाँ जा रहा था और क्या हुआ था? ये निर्भय सिंह है, निर्भय सिंह रेलवे में कर्मचारी है, ये निर्भय पिता लालू सिंह जी। अच्छा, ये पंड्याखेड़ी क्षेत्र का ही है रहने वाला। अच्छा, लगी थी ज़्यादा, इसलिए तत्काल उसको ले आए यहाँ पे सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। उपचार शुरू हो गया? हाँ, उपचार शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।